नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट फर्स्ट ले रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पिछली क्लासों में अपन ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में पढ़ा था और आज अपन इसका लेंगे कंक्लूजन। और इसके अंदर जो टॉपिक रहे हुए हैं वो है, एक तो टीएमएस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी है वो सॉल्व करते हैं। कंटेंट से टीएमएस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर संदर्भ, एनएमआर रेफरेंस। एनएमआर में रेफरेंस के रूप में टीएमएस प्रयुक्त किया जाता है, लिया जाता है। टीएमएस की फुल फॉर्म है टेट्रा मेथिल सिलेन। टेट्रा मेथिल सिलेन में सिलिकॉन एसआई के चार वैलेंसी चारों पर CH3 मेथिल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो टेट्रा मेथिल सिलेन यानी टीएमएस को रेफरेंस के रूप में क्यों लिया जाता है, इसके निम्न कारण है। पहला कारण ये है कि जितने CH3 ग्रुप है, चार CH3 ग्रुप पर टोटल 12 हाइड्रोजन है और 12 हाइड्रोजन तुल्य प्रोटॉन होते हैं। 12 के 12 केमिकल एनवायरमेंट सेम है। जब केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इससे मिलने वाली जो पीक होगी, संकेत होगा, सिग्नल होगा, वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है और एक ही सिग्नल प्राप्त होता है और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। सेकेंड, टीएमएस जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। इस कारण से जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे टीएमएस खुद कोई रिएक्शन नहीं करता। तीसरा, टीएमएस जो होता है वो वोलेटाइल होता है और इसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और यदि इसका वोलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, तो इसे आसानी से वाष्पीकृत किया जा सकता है। फिर यदि ड्यूटेरीकृत D1 D 1 2 विलायक में भी ये विलयशील होता है। फिफ्थ कारण ये है कि सिलिकॉन की विद्युत ऋणता का मान कम होता है। कम होने के कारण से इसका प्रोटॉन अधिक परिरक्षित रहता है, सील्ड रहता है, अतः इसके जो संकेत होते हैं वो उच्च संकेत क्षेत्र डेल्टा का मान 0 PP पर ये प्राप्त होता है। टेट्रा मेथिल सिलेन के स्ट्रक्चर देखिए, SI टेट्राहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल पर चारों वैलेंसी CH3 के द्वारा पूरी की गई है और CH3 में चारों कार्बन पर लगे हुए 12 हाइड्रोजन सेम हैं। केमिकली इनका एनवायरनमेंट सेम होता है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। और जब ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं तो 12 के 12 हाइड्रोजन के कारण से प्रबल स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, जिसके लिए डेल्टा का मान 0 प्राप्त होता है और टॉर्क की वैल्यू 10 माइनस डेल्टा यानी टॉर्क की वैल्यू अपने को मिलेगी 10। फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्नल्स इन फॉलोइंग। जो कंपाउंड दिए गए हैं उनमें नंबर ऑफ सिग्नल निकालना है और ये नंबर ऑफ सिग्नल आप खुद निकालिए। फर्स्ट कंपाउंड ईथर दिया हुआ है, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। एथिल आइसोप्रोपिल ईथर, इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं। सेकेंड कंपाउंड आपको दिया गया है एथिल प्रोपेनोएट, यानी C डबल बॉन्ड OO, ओ के पास में एथिल लगा हुआ है CH2CH3 और कार्बोनिल की तरफ भी लगा हुआ है CH3CH2 एथिल, यानी नाम हो गया इसका एथिल प्रोपेनोएट। यानी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सबसे पहले नंबर ऑफ आपको टाइप्स ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन में अपन डिनोट कर देते हैं ABCD से। ए CH3 पर लगा, बी CH2 पर, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है CH उसे C, और
CH से जुड़े हुए दो CH3 ग्रुप है, ये दोनों CH3 ग्रुप का एनवायरमेंट सेम है, तो डी टाइप का प्रोटॉन। तो टोटल टाइप्स ऑफ प्रोटॉन केमिकल एनवायरमेंट चारों प्रोटॉनों का अलग अलग है, तो नंबर ऑफ सिग्नल अपने को मिलेंगे चार। वापस देखो, ए बी सी डी चार टाइप के प्रोटॉन है। जो डी है सी एच पे लगे हुए दो सी एच थ्री ग्रुप, इन दोनों का एनवायरमेंट सेम है, तो इसे इन छह प्रोटॉन का एनवायरमेंट सेम है, इसे अपन ने डी दे दिया। अब अपन देखते हैं कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग। तो ए ए के सी एच थ्री जुड़ा हुआ है सी एच टू से, दो से, दो प्लस एक तीन, यानी कि ए का सिग्नल ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा। बी सी एच टू जुड़ा हुआ है सी एच थ्री से, तो तीन प्लस ए क्वाड्रेट के रूप में बी की बी का सिग्नल मिलेगा। फिर आइए सी पर, सी पर एक प्रोटॉन है, वो छह प्रोटॉन से सी एच थ्री से लगे हुए हैं, तो जब छह से लगे हुए हैं तो सिक्स प्लस वन, यानी ये मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होगा। डी टाइप के प्रोटॉन ये सी एच से लगे हुए हैं, सी एच एक है, वन प्लस वन, ये डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। तो कोई सा भी कंपाउंड दे तो आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, जितने टाइप्स के प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे। फिर आपको इसकी निकालनी है मल्टीप्लिसिटी, या फिर आपको निकालना है कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग। तो जिस तरह से अभी अपन ने निकाली है उसी तरह से हर एग्जाम्पल में करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना था, उसे डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आप खुद निकालिए कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन अपन राइट हैंड साइड से शुरू करें, तो ए बी सी डी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन कितने हुए वो देखें। तो यहाँ पर देखिए, लग तो दोनों एथिल सेम रहे हैं, ये दोनों तरफ के एथिल सेम है, परंतु दोनों तरफ के एथिल सेम लग रहे हैं, परंतु यहां देखो, यहां सी डबल बॉन्ड ओ ओ बीच में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके कारण से टाइप्स ऑफ प्रोटॉन चार टाइप के हो गए। यदि यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ न लगकर ऑक्सीजन ईथर लगता तो एनवायरमेंट सेम हो सकता था, परंतु यहाँ एसीटेट के अंदर या एस्टर के अंदर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए दोनों तरफ के एथिल ग्रुप अलग अलग है, तो यहाँ पर चार टाइप के प्रोटॉन हैं, ए बी सी डी। यदि अपन कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ CH2 को देखें तो दोनों का एनवायरमेंट सेम नहीं है, तो ए बी। फिर जो CH3 दोनों तरफ लगे हुए हैं उनका भी एनवायरमेंट सेम नहीं है, तो सी डी। तो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन वे चार, नंबर ऑफ सिग्नल होंगे चार। अब स्पिन स्पिन कपलिंग से देखें, तो यदि तीन से जुड़े हुए हो तो क्वाड्रेट से, और दो से जुड़े हुए हो तो ट्रिपलेट से। तो वापस डिस्कस करें, ए मिलेगा ट्रिपलेट के रूप में, बी मिलेगा क्वाड्रेट के रूप में, सी मिलेगा ट्रिपलेट के रूप में, और डी मिलेगा क्वाड्रेट के रूप में। इस तरह से अपन जो भी एग्जाम्पल दे उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, C3H6O में बीटा यौगिक 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण देता है। ये यौगिक NMR में एक सिग्नल डेल्टा 2.2 सिक्स हाइड्रोजन सिंगलेट देता है। ए व बी की पहचान कीजिए।
ऐसे इस क्वेश्चन में तीन कार्बन है, छह हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर पीक आ रही है, तो इसका मतलब अपने को आप एनएमआर से देखिए, ये एनएमआर पीक क्या कह रही है कि छह के छह हाइड्रोजन सेम है, और जब छह के छह हाइड्रोजन सेम हो और सिंगलेट के रूप में मिल रहा है, और ये पीक अपने को कार्बोनिल समूह की मिल रही है। तो देखो अपन लगाते हैं ए कंपाउंड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। यदि कार्बोनिल के दोनों तरफ CH3 लगा दे तो छह के छह हाइड्रोजन एक समान होंगे और छह के छह हाइड्रोजन की पीक एक मिलेगी, सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगी और सिग्नल अपने को एक मिलेगा। यदि अपन एक बार के लिए ये माने कि ये कंपाउंड इनॉल के रूप में 2-ईनॉल हो सकता है, तो इसमें देखिए अपने को पीक एनएमआर की पीक अलग मिलेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट सबका अलग अलग है। तो यदि CH2 डबल बॉन्ड CCH3OH स्ट्रक्चर बनाए तो अपने को नंबर ऑफ सिग्नल चार मिलेंगे। चार कैसे मिलेंगे वो देखो, OH ए नंबर, CH3 बी, CH2 सी। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो गए चार। तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटॉट CH3CO CH3।